तो ये बॉटल जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, बॉटल ही बहुत सुंदर दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। मैं ये परफ्यूम जो है 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे कई लोगों ने पूछा है कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है। इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल है, जिस तरह से ये क्लेम करते हैं कि इसका जो फ्रेगनेंस है वो अनफॉर्गेटेबल है, और एक बार लगाने के बाद लोग इसको याद करेंगे ही। और ऐसा एक्चुअली मेरे साथ हुआ है, 2-3 शादियों में तो मुझे पूछा भी गया है कि कौन सा परफ्यूम आपने लगाया है। और दोस्तों इसका जो कैप है वो भी मुझे काफ़ी यूनिक लगा, क्योंकि इसको जस्ट आप टर्न करोगे तो ये ऑफ हो जाता है, और इस तरीके से इसको टर्न ऑन करना है। इसमें ना ही कोई अलग एडिशनल कैप है या कुछ है, तो ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी यूनिक है, बहुत स्टाइलिश दिया हुआ है। और दोस्तों ये डिज़ाइन भी देखिए ना, कितना ज़्यादा बढ़िया है, बहुत प्रीमियम लुक देता है इस परफ्यूम को। दोस्तों तो इसके काफ़ी सारे नोट्स हैं, नोट्स यानी कि जो फ्रेगनेंस आपको इस परफ्यूम से मिलते हैं। टॉप नोट्स में दोस्तों आपको मिलेंगे पाइनएप्पल, ग्रेपफ्रूट, कोरिएंडर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन। इसी तरह से आपको मिडिल नोट्स में मिल जाते हैं लॉरल्स, ऑरेंजेस, ब्लॉसम एंड लेवेंडर का मिक्सचर, और बेस नोट्स में मिलता है ऑरिस रूट्स, पिचौली एंड लेदर के जैसे मिक्सचर्स। तो दोस्तों आपको टोटल 10 नोट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ दिस परफ्यूम, तो इसीलिए इस परफ्यूम का दाम भी इतना ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पे इसका जो कैप है ये अभी बंद है, इसको आपको स्लोली यहाँ से टर्न करना है, और आपको एक टिक वाला साउंड आएगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये अभी रेडी टू यूज़ है। यहाँ पे प्रेस करते ही जो है ये डिस्पेंस करना शुरू कर देगा। और दोस्तों ये जो कैपेसिटी है इसका ये है 75 ml का, मैंने 75 ml का ख़रीदा था, तो ये 75 ml है जो काफ़ी टाइम तक चल जाएगा।